मां बेटों के रिश्तों के बीच कड़वाहट ना आए, इसलिए मैंने और संजना ने हाथ जोड़ के तुम्हारी मां से माफी मांगी बेटा। जल्दी करो माँ, सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। गणपति विसर्जन नहीं चलना है क्या? चलना है बेटा, उसी की तैयारी कर रही और गणपति विसर्जन की आरती कर रही। और आरती करते टाइम पे जल्दी नहीं करते। चल तू भी हाथ जोड़ ले। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। इसकी औरत आके इतना मच मच करके कह लेती थी, अभी तू बोले तो दो दू क्या इसके कानपट्टी पे, क्या बोलते है? नहीं, आई का बेटा है आखिर यार, सुहानी का भाई भी तो है। लुखा, ऐसे रिश्ते है ना, ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं लुखा। रंजन, लेकिन भाई सुहानी से पूछने मांगता है ना, ये लोग चाहता क्या है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आंसुओं को तुम भले ही छुपा लो माँ, लेकिन आंखों में जो ये दर्द है इसको कैसे छुपा सकती हो? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी आंखों में किस बात का दर्द है। भैया की याद आ रही है ना? क्या करूं सुहानी, कुदरत ने मुझे औरत बनाया है और जब ये औरत माँ बनती है ना, नौ महीने अपने कोख में औलाद को पालती है, जब उस औलाद का जन्म होता है ना, तो कोई सोच नहीं सकता कि उसे क्या दर्द होता है। बड़े होकर वो औलाद चाहे नालायक निकले या 100 गलतियां करे, लेकिन माँ के दिल में उसके लिए दर्द तो हमेशा रहता है। मैं समझ सकती हूँ माँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को। आज गणपति विसर्जन है और हमारे बीच भैया नहीं है। अगर भैया होते तो जाने दे सुहानी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। चल गणपति विसर्जन को देर हो रही है, चल। भैया, भैया हम अभी बस। मैं जानता हूं सुहानी, माँ मुझे कोस रही होगी, लेकिन इस बंद कमरे में क्यों? बाहर अपनों की भीड़ जमा है, उन सबके सामने कहना चाहिए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि एक बेटे ने अपने माँ पर कितने जुल्म किए हैं, एक भाई और बहन के बीच में कितनी दुश्मनी है।
नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ सुहानी, ऐसी ही बात है। सुहानी इसे मत रोक, बोलने दे इसे, जो जी चाहे बोलने दे। वो लोग जो यहाँ आकर जहर उगल कर गए हैं, उसकी बाकी की कसर इसे पूरी करने दे। पूछ राजीव, तू क्या पूछना चाहता है? माँ, मैं यहाँ कुछ पूछने नहीं, कहने आया हूँ। आप लोग ये शहर छोड़ के क्यों नहीं वापस चले जाते? मैंने वो इलाहाबाद का घर भी वापस खरीद लिया, अब आप लोगों को यहाँ क्या चाहिए? शांति, शांति अपने लिए और तेरे मरे हुए पिता के लिए। तुझे पता है राजीव, उस घर में तेरे पिता की आत्मा रहती है, और मैं उस घर के कागजात उन लोगों के हाथ से लूं जिनके हाथ से मैं मरते समय पानी नहीं पीना चाहती। तुमने माँ का बहुत अपमान कर लिया भैया, अब मैं और अपमान नहीं करने दूंगी। मान अपमान की इसे क्या फिक्र है सुहानी, जिसे हमारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। क्या कहला के भेजा था इसने कि हम इसके लिए मर चुके हैं, तो क्या फिर आज ये हमारा मातम मनाने आया है? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ ठीक कह रही है भैया, भाभी ने कुछ ऐसा ही कहा था तुम्हारे बारे में। भाभी ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बीच अब सिर्फ इलाहाबाद के घर का कर्ज था, जिसे तुम अदा करके मुक्त होना चाहते हो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ राजीव, तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे हर कर्ज से मुक्त करती हूँ। तुझे पता है औलाद पे सबसे बड़ा कर्ज क्या होता है? माँ का दूध। मैं तुझे उस कर्ज से भी मुक्त करती हूँ, तू यहाँ से चला जा और हमें चैन से जीने दे, हमें चैन से जीने दे राजी। सुहानी, चल गणपति विसर्जन के लिए देर हो रही है, चल। बड़ी अजीब उलझन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संजना और पापा के नजरिए से देखता हूँ तो कुछ और समझ में आता है, लेकिन जब माँ और सुहानी के नजरिए से देखता हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कम ऑन लैला, आजकल तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। पता है हम लोग कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं आज?
डोंट ब्लेम मी संजना, विधि तो आजकल तुम रहती हो, पता ही नहीं चलता तुम कहाँ रहती हो। तुम्हें पता है ना, अभी मिस इंडिया 2005 की एंट्रीज होने वाली है, हमें जल्द से जल्द हमारे कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर करना है। राइट संजना, वी ऑल नो अबाउट योर स्ट्रैटेजी। तुम जिस लड़की को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाओगी, वो मिस इंडिया 2005 का क्राउन तो जीत ही लेगी। Who's the lucky one? I'm still looking for you. अभी तो कोई मिली नहीं। अच्छा लैला, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारी कंपनी की तरफ से हमें एक लेटर आया है और उस पर इन्फॉर्म किया गया है कि यूनिकॉर्म मीडिया ग्रुप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज करना चाहता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, आई डोंट नो, आजकल आदित्य उस लड़की सुहानी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस है। वेल संजना, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम उसे यही पूछना चाहती हो ना, कि उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस में सुहानी को देखकर गुस्से से क्यों चली गई। क्योंकि मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, सब कुछ। वो कैसे? देखो लैला, फिलहाल वो जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम इस बात पे ध्यान दो कि आदित्य अभी उसके काम पे इंप्रेस है। कम ऑन लैला, टेक इट इजी। अब सुहानी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से तुम इतनी टेंस हो। और मुझे पता है, सुहानी जैसे लड़के को तुम रास्ते से ऐसे हटा सकते हो। आई नो संजना। यू नो लैला, एक्चुअली मैडम। यस, कॉन्फ्रेंस रूम में सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। बस मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। ओके, अच्छा टेल मी वन थिंग, हु इज शी? कौन है वो? आई डोंट नो मैडम। ओके, वैसे मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ अभी। ओके मैडम। ए लुक्का, अभी तक हुआ नहीं तेरा? हाँ, दो घंटे में गाड़ी वापस देने की थी ना। अच्छे घंटा हो गया, देना। वो बेचारा वो वेट करता रहेगा ना गाड़ी के लिए। भाई अपुर भी थक गया है ना, गणपति अपुर विसर्जन करके आया है ना, अब जो मचमच होगा मैं संभाल लेगा ना। भाई तू जाके आराम क्यों नहीं करता है? चल आराम कर जा भाई, अपुन करेगा सब, ठीक है? हाँ यार देख, तो हम लोग भी थक गया है, तो इतना विसर्जन करके आया है, ऊपर से भाई भी राग देता आकर के, कसम से ना। अभी क्या बोलेगा भाई कोई? राजा कहाँ है? अरे राजा, कहाँ गए थे तुम? माँ कब से तुम्हें ढूंढ रही है। राजा तो गया काम से। वो विसर्जन के बाद थक गया हो ना सुहानी, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ थक तो मैं भी गई थी राजा। जानते हो राजा, गणपति विसर्जन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और फिल्मों में भी देखा था। ये पहला मौका था जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। सचमुच राजा, बहुत मजा आ गया। अरे तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? चलो जल्दी करो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है।
पता नहीं माँ को भी क्या हो गया, जब तक तुम्हें खाना नहीं खिला देती वो खुद भी खाना नहीं खाती। चलो सुहानी, आई है ही जैसी। बहुत बड़ा दिल है उसका, सबसे इतना प्यार करती है, सबसे बहुत प्यार करती है वो। हाँ हाँ, लेकिन पता नहीं तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। जानता है हाँ? तभी तो रिश्तों के मतलब मैं समझ पाया है, नहीं तो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ लावारिस, रिश्तों से मेरा वास्ता ही क्या था। लेकिन अभी सब समझता है, सब समझ में आता है मेरे को। सोनिक, कभी कभी मैं सोचता है कि जज्बातों का रिश्ता इतना बड़ा होता है, खून का रिश्ता कितना बड़ा होता होगा। समझता है मैं भी, सब समझ में आता है मेरे को, कितना बर्दाश्त करती है आई, कितना कितना सहती है आई, फिर भी राजीव से उतना ही प्यार करती है। लेकिन उसको जरा भी शर्म नहीं है। सुहानी, तेरी भाभी और उसका बाप आया था ना परसों, जानता है मैं तेरे को हुल देने के वास्ते आए थे। सुहानी मैं चुप है तो सिर्फ आई का चेहरा देख के, लेकिन बस 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 बहुत हो गया, चुप नहीं रहेगा मैं। हाँ तू मेरे को बता बता प्रॉब्लम क्या है, एक चुटकी बजा के सॉल्व कर देगा मैं, तू बताना मेरे को प्रॉब्लम क्या है। नहीं राजा, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, और ये लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। मैंने इस लड़ाई की शुरुआत तो कर दी है, पर खत्म कब होगी मैं खुद भी नहीं जानती। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर डिजिट्यूब।